हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल अखिल DWT पर। और अभी मैं आपको राजा मोर ध्वज, जो कि गढ़मोरा गांव के अंदर उनका महल है, उसको मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये करौली ज़िले के अंदर पड़ता था पहले, लेकिन अभी गंगापुर को ज़िले के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो ये गंगापुर ज़िले के अंदर आएगा। और गंगापुर से लगभग 60 किलोमीटर के लगभग दूरी पर ये स्थित है। और यहाँ पर कई प्राचीन जो महल है वो है, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूं तो श्री कृष्ण के दोस्तों यहाँ पे आने पर ये यहाँ पे लिखा हुआ है भक्त श्री मोर ध्वज जी के प्राचीन महल साइड में, और मंदिर श्री राधा गोविंद जी का भी इस साइड में है। ये यहाँ पे विशाल भैया है, और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू है। व्यू बहुत ही प्यारा है दोस्तों। और अभी से हमने आधी चढ़ाई कर ली है, और आधी चढ़ाई करना बाकी है अभी। सलाप है उस सलाप है, ये बोल रहे हैं कि लेटने से मतलब कमर का दर्द मटे, खींची भाई बिल्कुल मट जाए। अब खींची भाई लोग बाग शोर भी गए थे वो कुछ लेट। अब मैं चेक करूंगा, मेरा दर्द रहे कमर में। तो तू सो जाए, जो ये महल का आ गई, अब वो ऊपर दर्द है तो पता कोई नहीं, दाएं तीसरी नीचे। और ये बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है इसका प्रवेश द्वार, जिसको वापस से इसकी मरम्मत कराई गई थी पहले, क्योंकि ये जर्जर हो चुका था, टूट चुका था, लेकिन वापस से इसकी मरम्मत कराई गई है। और ये इस प्रकार का दिखता है। अब यहाँ की इनको भी देख सकते हैं आप, दीवारों को, इनको भी, इनमें भी ये देखो मरम्मत कराई गई है। पहले ऐसी थी और अब ये ऐसी दिख रही है। ये प्रवेश द्वार है यहाँ का, देखिए यहाँ प्रवेश करने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पे ये चबूतरे से बने हुए हैं। यहाँ से इस साइड से ये महल है जो इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जितने भी महल के अंदर जितनी भी खिड़कियाँ हैं उनमें मरम्मत अभी कराई गई है, और प्राचीन समय के जो अवशेष थे वो टूट गए, जर्जर हो गए थे, तो उनकी जगह पे अभी नए ये लगाए गए हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र रतन कंवर को एक स्लैब पे लेटा के उसके दो भागों में उसको विभाजित कर दिया था। उसके बाद जो यमराज के रूप में शेर आया था उसको एक भाग को दे दिया, और एक भाग को अंदर एक कमरे के अंदर रख लिया था, ऐसा माना जाता है। और वो सिला आज भी यहाँ पे मौजूद है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार उस सिला के ऊपर लेटने से कमर में जो भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसके लिए हम खुद उस पर लेट के देखेंगे, क्योंकि हमारी भी कमर में प्रॉब्लम चल रही थी। अगर ठीक हुआ तो हम आपको बता देंगे बाद में। और ये वही वृक्ष है, बट वृक्ष बोल दे या बड़ का पेड़ बोल दे, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने उस शेर को बांधा था। और दोस्तों इसके जस्ट ठीक सामने वो सिला है, देखिए आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये तो वो बट वृक्ष या बरगद का पेड़ है, इसके जस्ट ठीक सामने वो सिला रखी हुई है। ये इसी सिला पे लेटने से कमर के दर्द ठीक होने की मान्यता है यहाँ पे, और इस पे हम लेट के भी देखेंगे क्या सच में ठीक होता है या नहीं। इस महल के बारे में दो कहानियाँ प्रख्यात है, जिनमें से एक कहानी के अंदर कुछ इस प्रकार है कि राजा
एक राजा हुआ करता था जिसके 7 पुत्रियां थी। उनमें से राजा उन पुत्रियों से पूछता है कि बेटी आप किसके भाग्य का खाती हो। तो 6 पुत्रियां तो उनमें से बोलती है कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। परंतु उनमें से जो एक पुत्री होती है वो कहती है कि पिताजी मैं तो मेरे भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को इस बात पर क्रोध आ जाता है और वो जब उन पुत्रियों का विवाह करता है तो 6 पुत्रियों का विवाह तो बड़ी धूमधाम से कर देता है, लेकिन जो एक पुत्री होती है उसकी उसके लिए वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि बाहर अपने जो महल के बाहर जो भी चीज़ मिले, जो भी पहला कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई पक्षी मिले उसे लेके आ जाओ। तो उसके सैनिक जाते हैं तो वो देखते हैं कि महल के बाहर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, ना कोई व्यक्ति दिखाई देता है, ना कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता है, उन्हें केवल एक मोर दिखाई देता है जो कि एक पैर से लंगड़ा होता है। तो वो उस मोर को लेके राजा के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो राजा उस अपनी जो बेटी है सातवीं उसकी शादी उस मोर के साथ में ही कर देते हैं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो मोर वहाँ से उड़ता हुआ जाता है और वो जो उसकी पुत्री थी वो भी उसके पीछे नीचे चलती चलती हुई जाती है। वो मोर एक वृक्ष पर जाके बैठ जाता है और आंधी बहुत तेज आंधी आ रही थी, इस कारण वो पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। उसके मरने पर जो उसकी राजा की पुत्री थी वो इतनी तेज रुदन करती है जिससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो वो लंगड़ा मोर था वो भगवान शिव और पार्वती जी का ही पुत्र था एक, जिसको श्राप के कारण वो लंगड़ा हुआ था और उसका श्राप भी समाप्ति की ओर था। तो पार्वती जी भगवान शिव से कहती है कि अपने पुत्र का श्राप अब समाप्त हो चुका है। तो वो प्रसन्न होकर उस लड़की के पास जाते हैं, उस कन्या के पास जाते हैं तथा उसे आशीर्वाद के रूप में एक राजा प्रदान करते हैं जो उनके पति के रूप में था, और निशानी के तौर पे उस राजा के सिर पर मोर के जैसी कलंगी जो मोर के सर पर होती है। और दोस्तों ये उसी राजा का महल है और उस राजा का नाम था मोरध्वज। उसके बाद उसकी पुत्री अपने पिता के पास जाती है और अपना सारा हाल बताती है, लेकिन उसके पिता उसकी उस बात को सहज ले लेते हैं और उसे बहुत सारे अपशब्द सुनाते हैं कि तू ऐसा कहाँ पे गई थी, किसके साथ है, ये कौन है, ऐसे वैसे। तो वो लड़की दुखी होकर वापस जंगल में जंगल की तरफ आ जाती है जहाँ पर भगवान शिव एवं पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। और भगवान शिव एवं पार्वती जी की कृपा से इस महल का निर्माण अपने आप हो जाता है। उस टाइम पे ये बहुत ही एक भव्य महल था। और कुछ समय बाद उसके पिता पर पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देते हैं जिससे कि उसका राजपाट छिन जाता है। फिर होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि वो उसका पिता बहुत ही गरीब हो जाता है। तो वो गांव-गांव जो अनाज साफ करने का जो पात्र होता है जिसे हमारे यहाँ पर छाजड़ा बोलते हैं तो उसे बेचता रहता है। एक दिन वो अपनी पुत्री के शहर में ही आता है, वहाँ पे बेच रहा था। तो उसकी पुत्री ने दासियों को बताया हुआ था कि ऐसा ऐसा था। तो वो क्या करता है, उसकी पुत्री जाती है और उसे देखती है तो वो पिता पिता से वो पहचान जाती है। तो वो पिता को अपनी सारी बातें बताती हैं और फिर पिता से बोलती है कि पिताजी देख लीजिए मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। इस पर वो राजा बहुत शर्मिंदा होता है तथा अपनी पुत्री के साथ रहने लगता है। और दूसरी कहानी कुछ अलग है दोस्तों।